गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन यूनिक स्कूल सीकर। इन प्रीवियस क्लास वी वर स्टडीड अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई टेल यू इन प्रीवियस क्लास, इन दिस क्लास वी आर रीड अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स, नेम ऑफ एटम्स, सिंबल एंड एटॉमिक मास। फर्स्टली आई कैन ड्रॉ अ टेबल ऑन ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, और आफ्टर देन जो सेकंड लॉ है वो सेकंड लॉ अपन स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं एक टेबल जो है ये टेबल फॉर्म कर रहा हूँ, जिसे आप अपने नोटबुक के अंदर मैं कर लेना और इसको आपको ध्यान में रखना है, कंसीडर करना है। और ये जो टेबल है ये टेबल इम्पोर्टेंट है अपने थर्ड और फोर्थ चैप्टर में भी, और अपन ये कहें कि आगे भी अपने केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस इसका है। देखो, एटॉमिक नंबर आफ्टर देन एटम्स नेम, और वी कैन से दैट एलिमेंट नेम। After then, symbol, after symbol, number of proton, और number of proton जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर देन एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक जो मास है, एटॉमिक मास का फॉर्मूला जो होता है, एटॉमिक मास जो है, इस एटॉमिक मास को इक्वल लिखते हैं अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इनकी स्टडी तो अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, फोर्थ चैप्टर में अपन इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। एटॉमिक मास के बारे में जॉन डॉल्टन ने भी बताया था, उस टॉपिक की स्टडी अपन थर्ड चैप्टर में करेंगे। और जो ये जो मैं फॉर्मूला बेस लिख रहा हूँ, ये अपन इसको फोर्थ चैप्टर में अपन इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो एटॉमिक मास का फॉर्मूला था ये तो आफ्टर डिस्कवर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद कहा गया था, लेकिन जब जॉन डॉल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, जब एटॉमिक मास के बारे में उन्होंने बताया था, उस समय ना तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, ना न्यूट्रॉन की हुई थी, ना ही इलेक्ट्रॉन की हुई थी, तो उस समय जो है वो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, तो जॉन डॉल्टन ने इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ओके, फर्स्टली यहाँ पर मैं एक एक का नेम यहाँ पर राइट करता हूँ। एटॉमिक नंबर वन, एटम्स नेम हाइड्रोजन, सिंबल इसका लिखा जाता, राइट किया जाता है एच। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसमें होता है वन, वन प्रोटॉन होता है, और वन ही क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इसमें जीरो होते हैं, और एटॉमिक मास दोनों का कैलकुलेट करके वन आता है। हाइड्रोजन जो है वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंट, जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो जीरो होते हैं, ठीक है, ओनली सिंगल एलिमेंट ऐसा है जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, जीरो। सेकंड, हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है HE, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इसमें टू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें होते हैं टू, और एटॉमिक मास इसका होता है फोर। ओके, थर्ड, लिथियम सिंबल Li, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें थ्री, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें होते हैं फोर, और टोटल इसमें एटॉमिक मास होता है इसका सेवन। फॉर
बेरिलियम, बीई इसका सिंबल होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इसमें 4 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 5 होते हैं, एटॉमिक मास होता है इसका 9, 5, बोरॉन सिंबल बी 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, एटॉमिक मास 11, 6, कार्बन सिंबल सी, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 और टोटल 12। एटॉमिक मास जो है इसको एक यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके आगे लिखा जाता है म्यू, जो यू है उसी टाइप में लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसका यूनिट है इसकी, ओके म्यू। नंबर 7 नाइट्रोजन सिंबल एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 एंड एटॉमिक मास 14 म्यू। एट ऑक्सीजन ओ, 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल 16 म्यू। 9 फ्लोरीन एफ, 9 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं इसमें 10, 19 म्यू। नंबर 10 आता है नियोन एन ई, 10 प्लस इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 10 होते हैं, टोटल होता है 20 म्यू, ओके। आफ्टर देन 11 नंबर पर आता है सोडियम, जिसका सिंबल लिखा जाता है एन ए। अब यहाँ देखो, सभी में फर्स्ट लेटर आ रहा था, वो फर्स्ट लेटर यहाँ लिखा जा रहा था, राइट किया जा रहा था, बट यहाँ देखो सोडियम आ रहा है और उसका लिखा जा रहा है एन ए सिंबल। वैसे तो अपन आगे इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये वर्ड जो है ये लैटिन नेम नेट्रियम से लिया गया है, कहाँ से, नेट्रियम से, इसलिए यहाँ पर इसको क्या लिखा गया है, एन ए इसका सिंबल लिखा जाता है, ठीक है। 11 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और 12 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, टोटल होता है 23 म्यू। 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम सिंबल एम जी, 12 प्लस 12 24 म्यू। 13 नंबर पर आता है एल्यूमिनियम सिंबल ए एल, 13 और 14 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल 27 म्यू। 14 नंबर पर आता है सिलिकॉन सिंबल SI, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इसमें कितने होते हैं 14 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें कितने होते हैं 14, एटॉमिक मास हो जाता है इसका 28 म्यू। 15 नंबर पर आता है फॉस्फोरस सिंबल, इसको पी से राइट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 15 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 होते हैं, टोटल इसका मास होता है 31 म्यू।
16 नंबर पर आता है सल्फर, एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटीन 16 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, टोटल मास 32 म्यू। 17 नंबर पर आता है क्लोरीन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Cl से 17, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें होते हैं 18। इसका टोटल जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5 म्यू। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जिस फॉर्मूले से अपने को गेन होती है उसके बारे में अपन फोर्थ चैप्टर के एंडिंग पार्ट में अपनी जो है ये टोटल वैल्यूज है वो वहाँ पर अपन इसको फाइंड करेंगे। ओके, 18 नंबर पर आता है ऑर्गन, ऑर्गन को रिप्रेजेंट किया जाता है AR से 18, तो होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें होते हैं 22, टोटल इसका मास होता है 14 म्यू। ओके, 19 नंबर पर आता है पोटेशियम, बट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से। के से इसको इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये लैटिन नेम केलियम से आया है। ये वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड केलियम से। इसमें होते हैं इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 19 होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने इसमें 20, टोटल 39 म्यू। 20 नंबर पर आता है एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल Ca, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें होते हैं 20 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 एंड टोटल 40 म्यू। एटॉमिक मास इज 40 म्यू। तो यहां से अपन इस टेबल से देखो फाइंड किया है, इसका सिंबल अपन ने देखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो देखे हैं और एटॉमिक मास देखे हैं। अब यहाँ से अपन एक चीज देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों क्या है? इक्वल है। यानी कि अपन जितना जिसका कोई भी जो एटम है उस एटम का जो एटॉमिक नंबर है उतने ही तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, उतने ही उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। चेंज जहाँ आता है वो कहाँ आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर आता है, जिसमें चेंज आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण ही डिसाइड होता है क्या एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो क्या है? सेम है। तो ये तो जनरली अपने को ध्यान में रह जाएगी, कंसीडर रहेगी, बट अपने को ध्यान में क्या रखना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके बेस पर अपन एटॉमिक मास फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमने इस चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर में अपन जो पढ़ेंगे वहां पर एटॉमिक मास जो है ये एटॉमिक मास ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा जो भी अपने जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आगे अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, मोलर मास पढ़ेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सभी जगह अपने पास में किसका इंपॉर्टेंस है? वहां पर एटॉमिक मास का इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट और भी एलिमेंट है जिनको अपने को कंसीडर करना है। बट उनका अपने को क्या रखना है? ये एटॉमिक मास वगैरह है, इनका इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। बाकी यदि इसके अलावा अगर कोई पूछता है तो फिर अपने उसका जो एटॉमिक मास है वो जनरली दिया हुआ आएगा। इसके अलावा जैसे मैं आपको 21 से फिर 30 तक के और बता देता हूँ। 21 पर आता है स्कैंडियम, जिसका सिंबल होता है Sc। 22 पर आता है टाइटेनियम Ti। 23 वैनेडियम V। 24 क्रोमियम Cr। 25 मैग्नीज Mn। 26 आयरन Fe। 27 कोबाल्ट C। और यहाँ पर देखो ये
स्मॉल ओ यहाँ पर राइट किया जा रहा है। यदि सी के सामने कंप्लीटलीएम को लिखा जाता है इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब यहाँ स्मॉल ओ जब इसके साथ में राइट किया जाता है देन ये क्या है कोबाल्ट। ओके 28 शो करता है, ठीक है, कॉपर फर्स्ट भी शो करता है, ठीक है,
तो इस टाइप से उनके अलग अलग जो है वो वैलेंसीज है, जिनको पॉलीएटॉमिक आयंस में वहीं पर अपन उनकी वैलेंसी जो है उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये जो है इनकी जो वैलेंसी है, इस वैलेंसी को पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ में लिखा राइट किया जाता है। पॉजिटिव यानी क्या होता है कि जो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, किसी दूसरे को देता है, तो उसके जो पॉजिटिव आ जाता है, और जो लेता है उसके क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो हाइड्रोजन जो है इसकी पॉजिटिव वन भी होती है और नेगेटिव वन भी होती है। लिथियम जो है इसकी पॉजिटिव वन, बेरियम की टू, ये पॉजिटिव होती है, कार्बन की पॉजिटिव फोर और नेगेटिव फोर, इसकी माइनस थ्री, और ऑक्सीजन की माइनस टू, फ्लोरिन की माइनस वन, सोडियम की प्लस वन, मैग्नीशियम की प्लस टू, एल्यूमिनियम की प्लस थ्री, सिलिकॉन की प्लस फोर, फॉस्फोरस की माइनस थ्री, सल्फर की माइनस टू, क्लोरिन की माइनस वन, पोटेशियम की प्लस वन और कैल्शियम की प्लस टू। ये क्या है, वैलेंसीज है। ओके, इस वैलेंसीज का जो टॉपिक है इसको भी अपनी जो टेबल है उस टेबल में एटॉमिक मास के आगे आप इसको लिख सकते हो, सभी की जो वैलेंसीज है उस वैलेंसीज को आप वहाँ पर राइट करके इनको ध्यान में रख सकते हो। बाकी इनकी जो वैलेंसीज है, इन वैलेंसीज की डिटेल स्टडी जो अपन फोर्थ चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे वैलेंसी, वहाँ पर अपन समझेंगे आपको कि वैलेंसी होती क्या है, ठीक है, वैलेंसी वर्ड का मीन्स क्या होता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, यदि कोई भी डाउट आपको क्रिएट होता है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और वहाँ पर आपका जो डाउट है उस डाउट को क्लियर कर देगा। इन देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।